एक बार फिर आपके सामने गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर रजनी सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, HPS कॉलेज मधेपुर मधुबनी में। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है, BA पार्ट 1, पेपर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2। मैंने जो पिछली बार ख़त्म जहाँ से किया था, फिर से वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। मैं अगस्त कॉम्प में मैंने पहला लेक्चर दिया था और मैंने उनकी कृतियाँ, उनकी टाइम पीरियड, उनके विचार, उनका जो विचार था उस पर पड़ने वाले प्रभाव पे चर्चा की थी। उसी क्रम में उनके जो सिद्धांत कौन कौन से दिए थे उस पर चर्चा की थी। उसी सिद्धांतों का जो पहला सिद्धांत था उनका, जो उनकी मेथोडोलॉजी भी कही जाती है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्षवाद और इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉजिटिविज़म। ठीक है, पॉजिटिविज़म को साइंटिफिक भी बोला जाता है, लेकिन उन्होंने जो टर्म यूज़ किया था वो पॉजिटिविज़म ही था। हिंदी में इसको प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। तो प्रत्यक्षवाद जो था, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपनी जो उनकी दो बुक्स थी उसमें कहा था, पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी में उन्होंने प्रत्यक्षवाद की चर्चा की थी। और वो कहते थे कि समाजशास्त्र के बहुत सारे और भी संस्थापक थे, उनका विश्वास था कि मानव और समाज का अध्ययन उन्हीं सिद्धांतों और पद्धतियों के आधार पर किया जा सकता है जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र आदि में किया जाता है। और इसी इसे ही प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। कॉम्प्ट ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग कारण को सब जो प्रत्यक्षवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग कॉम्प्ट ने किया था वो जो है समाज में जो उद्विकास था उसको, जो उद्विकास क्रम में जो घटनाएं घटित हो रही थी उनके कार्य कारण के आधार पर उन घटनाओं को बताने की कोशिश की थी। कॉम्प्ट ने इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया, बताया कि सर्वप्रथम प्रयोग किया और यह भी बोला कि समाज के उद्विकास को भी प्राकृतिक नियम के आधार पर समझा जा सकता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञानों में पदार्थ के व्यवहार को कार्य कारण और एवं व्यवहार के आधार पर समझा जा सकता है, उसी प्रकार मानव के भी जो व्यवहार होते हैं उनका भी अध्ययन हम जो है कार्य कारण के द्वारा, एक वैज्ञानिक रूप के द्वारा हम कर सकते हैं, ऐसा कॉम्प्ट का मानना था। और इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग किया। एक बात और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक विज्ञानों में और सामाजिक विज्ञानों में बहुत सारे अंतर हैं। क्या अंतर है? जैसे प्राकृतिक विज्ञान में जो है बदलाव ना के बराबर होते हैं, जैसे कि सूरज जो है कहाँ से निकलता है? ईस्ट, और डूबता कहाँ से? वेस्ट। ये कभी नहीं बदलता। दूसरा, तो इसकी जो प्रामाणिकता होगी, जिसको खोज होगी, जब भी करेंगे आप 10 साल बाद करेंगे, सुबह करेंगे, शाम करेंगे, तो आपका जो फल होगा, जो रिजल्ट होगा, वो क्या होगा? सेम ही होगा। इसी तरीके से अगर एक गिलास पानी में हम चीनी और नींबू मिलाते हैं, तो चीनी नींबू और नमक मिलाते हैं तो क्या मिलेगा? खट्टा मीठापन होगा। चाहे आप चीनी नींबू नमक मिलाएं, सुबह मिलाएं, रात मिलाएं, शाम मिलाएं, हाँ उनकी क्वांटिटी के आधार पर हो सकता है कि ज़्यादा चीनी मिला देंगे तो थोड़ा मीठा ज़्यादापन लगेगा, नमक ज़्यादा मिला देंगे तो कुछ थोड़ा सा नमकीन ज़्यादा लगेगा, नींबू ज़्यादा नहीं छोड़ देंगे तो खट्टा ज़्यादा लगेगा। तो मतलब जो उनकी क्वांटिटी होती है उसमें अगर आप हेर फेर करते हैं तो स्वाद में भी हेर फेर हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ भी भेद बदलते नहीं हैं तो सुबह शाम दोपहर 10 साल बाद 20 साल बाद 50 साल बाद जब भी ये प्रयोग करेंगे तो आपका जो है फल वही आएगा। लेकिन जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो समय के साथ, परिस्थितियों के साथ और व्यक्ति टू व्यक्ति भी बदलती रहती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक गाय ले आ कर रख दें और आपसे बोले कि क्लासरूम में एक गाय ला दूँ और बोलूँ कि सब लोग जो हैं इस गाय पर ऐसे लिखो 10 लाइन, तो जो आपका लाइन होगा वो दूसरे वाले से क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। तीसरे वाले कुछ और बोलेंगे, चौथे वाले कुछ और बोलेंगे, पांचवा कुछ और बोलेगा और मैं कुछ और बोलूँगी। तो क्या हुआ? व्यक्ति टू व्यक्ति क्या हुए? चीज़ एक ही है लेकिन व्यक्ति की व्यक्ति क्या हो गई? सोच अलग हो गई। तो इसका अध्ययन करना बड़ा मुश्किल था। तो कॉम्प्ट ने इसी को कहा कि हम इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारी, जिस प्रकार
विज्ञान के अध्ययन के लिए जिस प्रकार जो वैज्ञानिक जो विषय हैं जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित और जो भी जीव विज्ञान है, उन सब का अध्ययन जिन पद्धतियों का प्रयोग करके करते हैं, उन्हीं पद्धतियों का प्रयोग करके हम जो है सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन करेंगे, जैसे कि अध्ययन करेंगे कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण, ये जो पद्धति है, पद्धतियों के जो है इनका प्रयोग करके हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। और रेमंड एरा एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो भी बहुत बड़े विचारक थे, और वो ये कहते थे कि प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, उनके विश्लेषण तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। संक्षेप में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है, और यह एक वैज्ञानिक प्रणाली कही जाती है। जो भी मैंने ऊपर कहा उसका तात्पर्य इतना है कि कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद का जो अर्थ है वो वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति से है। वैज्ञानिक पद्धति का क्या है? वैज्ञानिक पद्धति का आधार अनुभव करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, प्रयोग करना और वर्गीकरण करना उसका है, और लास्ट में हम एनालिसिस उसका करते हैं, निष्कर्ष भी निकालते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा होता है, उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग, जिसे प्रत्यक्षवाद कहा जाता है, कहलाता है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या है? समाज के भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों के कुछ नियम होते हैं, समाज के भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को हम प्रत्यक्षवाद के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अध्ययन की जो प्रणाली हो वो वैज्ञानिक हो, कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में हम जो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमको सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए भी वैज्ञानिक पद्धति, जिसको हम निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन, वर्गीकरण कहते हैं, उसके द्वारा हमको अध्ययन करना चाहिए। तीसरी जो विशेषताएं हैं वो है तार्किक व्याख्या पर बल देना चाहिए। तार्किक व्याख्या पर बल करने की बात क्या है? तार्किक व्याख्या पर बल देना चाहिए। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो एक और विशेषता है उसकी क्या होती है? सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन भी है प्रत्यक्षवाद, और प्रत्यक्षवाद एक जो है ज्ञान से संबंध है। धर्म एवं विज्ञान का समन्वय भी प्रत्यक्षवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। हाँ, यहाँ पे एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट जो जानने की है वो ये है कि जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको हम देख तो पाते नहीं हैं, और व्यक्ति टू व्यक्ति क्या होती है, भावनाएं बदलती भी हैं। इसीलिए जब हम निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं और जब वर्गीकरण करते हैं, तो हम एक ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उसका निरीक्षण परीक्षण करते हैं। अब ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दो शब्दों का प्रयोग होता है समाजशास्त्र में, जिसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता दें, ताकि आपको प्रत्यक्षवाद समझने में आसानी हो कि आखिर क्या किस तरीके से हम जो है उसमें भावना होने के कारण किस तरीके से उसमें जो है हम पद्धति को मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि जब हम किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करते हैं, तो उस समय हमें अपनी जो भावनाएं होती हैं, हमारी पर्सनल जो भावनाएं होती हैं, उनको उस अध्ययन के दौरान एकदम अलग रखा जाता है, ताकि हम उस जो घटना है उसका एकदम जो है एक्यूरेट और एक ऑब्जेक्टिविटी उसमें ला सकें और एकदम साइंटिफिक उसका अध्ययन कर सकें। जैसे कि जब हम किसी भी घटना का अध्ययन करना चाहें, एक एग्जांपल के तौर पे बोलें कि अगर हम यह अध्ययन करें कि
कह सकते हैं कि आज भी लड़कियों को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं है। ये मेरा मान लीजिए एक घटना है और इस पर मुझे अध्ययन करना है, तो आप ये कहेंगे कि नहीं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं मैम आजकल तो सब बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर लड़कियों को आज भी स्वतंत्रता नहीं है या ये हम नहीं है तो क्या कहेंगे, नहीं आजकल तो सबको स्वतंत्रता है। तो हम अगर एक लड़का इस टॉपिक पर अध्ययन करे तो वो ये ना सोचे कि नहीं आजकल तो वो अपने बहन को देख ले कि नहीं नहीं मेरे घर में तो सबको है और मेरे आसपास भी सबको है तो मतलब स्वतंत्रता है, तो वो क्या करेगा, वो जो इस जो उसकी भावना है बींग मेल कि नहीं मेरे बहन को तो है तो सबको ही होगा, आजकल तो मॉडर्न एरिया है, तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे बाहर। उसके बाद इस पर अध्ययन करें कि क्या इस अब अध्ययन करें तो क्या मैंने बताया था कि कुछ वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती हैं, वो पद्धति क्या होती है, अवलोकन की होती है। आप जो है एक एरिया डिसाइड कर लीजिए पूरा, जैसे आप पूरा पूरा मधेपुर स्टार्ट कर लीजिए, मधेपुर का में आप रहते हैं तो आप पूरे मधेपुर को आप एक ये जो मधेपुर आप लेंगे यही आपकी प्रयोगशाला हो जाएगी। इस प्रयोगशाला में एक आप अवलोकन करेंगे पूरे जितने घर हैं उनका, उन घरों में से भी कुछ घर बांट लेंगे तो आप देखेंगे कि जो गरीब जन है जिनके पास पैसा नहीं है, आपको खुद दिखेगा कि उनके यहाँ खाने को पैसा नहीं है तो वो लड़कियों को भेजेंगे कैसे, बहुत मेहनत से तो वो बॉयज़ को भेज पाते हैं ताकि फ्यूचर में जाके उनकी अर्निंग अच्छी हो सके, उनका फैमिली अच्छा हो सके और लड़की को तो शादी करके जाना है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे और अवलोकन करेंगे, फिर उसका निरीक्षण करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि अलग अलग घरों में जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग अलग है, किसी जगह जाने भी दिया जाता है, किसी जगह नहीं भी जाना था। तो अंत में आपको ये समझ में आएगा कि हम जो उस समय सोच रहे थे वो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि थी। तो इसीलिए जो है जब भी हम सामाजिक विज्ञान में का किसी भी घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं या उस घटना से संबंधित जो हमारा ज्ञान होता है कुछ समय के लिए उसको वहाँ पे क्या करते हैं जो है उससे उसको अलग कर देते हैं, निष्पक्ष रूप से हम उस घटना का अध्ययन करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रत्यक्षवाद जो है हमको इसमें मदद करता है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ पद्धतियों का प्रयोग करके हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन के आधार जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उनके जो अध्ययन होते हैं उसकी तरह ही हम एक वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। तो इस जो लेक्चर था वो प्रत्यक्षवाद पर था कि अगर हम निष्कर्ष में बात करें तो प्रत्यक्षवाद के निष्कर्ष की बात करें तो प्रत्यक्षवाद केवल हमको एक वैज्ञानिक पद्धति है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है, आपके विज्ञान है जिसका प्रयोग करके अगस्त कॉम्ट ने अपने जो उनका समय था उस समय जो उनकी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में उस सामाजिक उस समय की होने वाली सामाजिक घटनाओं पर उन्होंने इसका प्रयोग करके और समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक रूप दिया और ये बोला कि हम जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कर सकते हैं। आज के लिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अगस्त कॉम्ट का 3 स्तरीय का नियम है जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ 3 स्टेजेस कहते हैं, जिसमें उन्होंने इस विचार को, ये जो आपका प्रत्यक्षवाद है, इस विचार का प्रयोग किया, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थी ना, उनका जो मेथड था, जो उनकी सोच थी, जो उनकी तरीके थे वो पॉजिटिविज्म ही थे, प्रत्यक्षवाद था, तो इसके प्रयोग के ही आधार पे उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस 3 स्तरीय का नियम दिया था जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।